मुसलमानों के साथ दर्जनों लोग हुए भाजपा में शामिल। बताते चलें कि रविवार को करहल के अंबेडकर पार्क में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा मैनपुरी संसदीय क्षेत्र प्रत्याशी जयवीर सिंह के समर्थन में हुई नुक्कड़ सभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जयवीर सिंह को बड़े बहुमत से जीतने के लिए तय किया गया। नुक्कड़ सभा में प्रत्याशी जयवीर सिंह ने कहा कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, इस बार मैनपुरी में भी कमल खिलने जा रहा है। जयवीर सिंह के समक्ष भाजपा में शामिल होने वाले विजय कुमार बबलू जाटव, फूल सिंह कठेरिया, मुस्लिम अली, सभासद राजेश जाटव, पूर्व प्रधान कप्तान सिंह यादव, पूर्व सभासद शहजाद कुरैसी, हनीफ कुरैसी, इरशाद कुरैसी, महेश जाटव, पूर्व प्रधान बुझिया, रामकिशन डीलर, लाल सिंह कठेरिया, अंशुल कठेरिया, मुकेश वाल्मीकि, विक्रांत वाल्मीकि ने भाजपा की सदस्यता ली है। भाजपा की सदस्यता लेने वाले लोगों का मल्यार्पण कर स्वागत भी किया गया तथा भाजपा का पट्टा पहनाकर सम्मानित भी किया गया। नुक्कड़ सभा में मुख्य रूप से नगर पंचायत करहल के पूर्व अध्यक्ष संजीव यादव, रमाकांत दुबे, वीरेंद्र पांडे, अरविंद गुप्ता, हरिओम दुबे, दीपू राठौर, सचिन वर्मा इत्यादि लोग मौजूद रहे। हमारे इधर इधर देख ले, इधर रुके, थोड़ा कैपिंग करो भैया, पीछे धड़ो, पीछे धड़ो, हो गया था। अमीर मोहम्मद आज करण की इस अम्बेडकर पार्क में आयोजित इस बैठक में आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारियों, पूर्व पदाधिकारी का चेयरमैन साहब, पूर्व चेयरमैन साहब, हमारे एमएलए साहब के परिवार के सदस्य और सभी यहाँ उपस्थित हमारी पार्टी के सम्मान साथी, आज आदरणीय भूत सिंह जी और बबुल जी के नेतृत्व में बहुत सारे लोगों ने समाजवादी पार्टी और अन्य दलों को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ और मैं आश्वस्त करता हूँ कि पार्टी में उनका सम्मान निहित रहेगा, उन्हें अच्छा लगेगा, पार्टी में मुख्य धारा में, राष्ट्रवाद की मुख्य धारा में आकर के उन्हें काम करने का अवसर मिलेगा। देश की तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए, सब समाज के कल्याण के लिए, सबकी भलाई के लिए, किसान, गरीब, महिला, युवा, इन चार बिरादरियां, यही चार बिरादरियां हैं हमारी, हर हर समाज में, हर समुदाय में गरीब, उन गरीबों को विकास की मुख्य धारा में लाने का काम हो, उनको हर तरह की सहूलियतें लेकर के गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात हो, या आज तो बढ़ते चुनते धमकते हिंदुस्तान को जो विकास से आदरणीय मोदी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है, विश्व पटल पर आर्थिक रूप से, सामर्थ्य रूप से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हिस्सा ली है, उसमें आपका भी योगदान है और आप हम समझ के जब देश तरक्की करेगा तो सबकी भलाई आएगी, सभी का फायदा होगा। इसलिए देश की जनता ने सभी दीवारों को तोड़ के आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार 405 के नारे के साथ देश का जिला होगा। तो हम सब जानते हैं कि भाजपा थोड़ा भाजपा पर बहुमत हो जाना है, हम कहते हैं इस बार 405, विपक्ष कहता है 405 नहीं होने चाहिए, झगड़ा 400 का है, जब सरकार 272 में बन जाएगी तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने में कोई झगड़ा नहीं, सारा देश पर जब विपक्ष जा रहा है कि देश के नेतृत्व तो तीसरी बार मोदी जी करने जा रहे हैं, केवल हमें तीसरी लड़ाई नहीं बची है कि 405 या 400 के नीचे, इतना ही तो पक्ष विपक्ष का है, इसको सबकी एक राय है पक्ष विपक्ष की, इस बार मोदी जी देश के पीएम प्रचंड बहुमत से बन रहे हैं और जब बनेंगे तो सबका साथ, सबका साथ और सबका विकास, इसी नारे को आगे बढ़ाने का सपना साकार होगा, देश आगे बढ़ेगा और प्रदेश में
जिस तरीके के जिस तरीके से इन 7 सालों में अगर ये योगी जी ने कानून का शासन दिया, सुशासन दिया, विकास दिया है, उसी का फलाना कर प्रदेश तरक्की की राह पर, विकास की राह पर चल रहा है। और अगर एक बारे में बात करें तो जो रायपुर चमकती थी 3 गाड़ियां 15 रायपुर से लेट आ रही है, अवैधता जमीनों पर कब्जे, चोर वसूली और समाजवादी पार्टी के अपराधी गुंडों के द्वारा 12 से 17 के दौरान में जिस तरीके से थाने चलाने का काम हुआ था, यहाँ के थाने थानेदारों ने चलाए थे, यहाँ के थाने समाजवादी पार्टी के सेफी से पोषित अपराधियों ने चलाने का काम किया, और थानों में आज वो अपराधी की समस्या है क्या कहीं जुड़े नहीं मिल रहे हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति को उसका हक मिलेगा, उसका सम्मान मिलेगा, और कोई माई का लाभ उनके सम्मान को, उनकी संपत्ति को छू नहीं सकता। इसी आप विश्वास के साथ कहिए 7 तारीख के लिए सब लोग संकल्प लें कि जहां जिसका प्रभाव है, जहां जिसका संबंध है, सरोकार है, नाते हैं, रिश्तेदार है, सबको फोन करें, 20 फोन सवेरे 20 फोन शाम को फोन करिए और प्रेरित करिए कि इस बार कमल का फूल का बटन दबाना है, मोदी जी योगी जी को स्वागत के लिए जयवीर सिंह को आशीर्वाद देना है, कहेंगे सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद आभार, और उसके 7 तारीख के बाद आपका मान, आपका सम्मान, आपका विकास, आपकी सुरक्षा, चारों की गारंटी जयवीर सिंह देने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।